गाइस आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो गिरो ऐप है सो इसमें अगर आपको FNO में ऑप्शन ट्रेडिंग में 500 रुपये का SL लगाना है, 100 रुपये का SL लगाना है, यानी कि इस अमाउंट में अगर आपको SL लगाना है सो आप किस प्रकार से SL को लगाओगे, कितने पॉइंट का SL लगाना रहता है एंड स्टॉप लॉस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सो यहाँ पर मैं आपको एक फुल डिटेल्स में एकदम बेसिक से एज ए बिगिनर्स की टाइप से मैं आपको बताने वाला हूँ। सो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने ग्रो ऐप को ओपन कर लिया है। अभी गाइस यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस को लगाने के लिए सबसे पहले एक पोजीशन बनाना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो निफ्टी 50 इसको हम ओपन करेंगे एंड ओपन करने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे सीधा ऑप्शन चैन में एंड ऑप्शन चैन में आने के बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मार्केट कैसा क्या परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे हमें पुट ऑप्शन को बाय करना चाहिए या फिर एक कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहिए। तो गाइस डेमो के लिए यहाँ पे मैं 19,500 का एक पुट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसमें आपको लाइव दिखा देता हूँ। सो इस पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे सो यहाँ पे आपको बाय और सेल करने का ऑप्शन आएगा। सो यहाँ पे हम बाय पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे हम बाय पे क्लिक करेंगे। अभी गाइस यहाँ पे हम जैसे ही बाय पे क्लिक करते हैं सो देख सकते हैं यहाँ पे बाय हो गया है सक्सेसफुली। यहाँ पे हम डन पे क्लिक करेंगे। अभी गाइस बात करते हैं कि जो भी ये पोजीशन है इसमें आप किस प्रकार से स्टॉप लॉस को लगाओगे, कैसे स्टॉप लॉस को आप कैलकुलेट करोगे। सो यहाँ पे मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से पॉइंट में और रुपीज में आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस आपको सबसे पहले डिसाइड कर लेना है कि आपको कितने रुपीज का आपको SL लगाना है। जैसे यहाँ पे मुझे जो भी पोजीशन है इसमें मुझे लगाना है 100 रुपये का SL। सो गाइस अभी 100 रुपये का SL लगाने के लिए यहाँ पे मुझे कितने पॉइंट का SL लगाना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको देखना है कि आपके पास कितना क्वांटिटी है। सो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे 50 क्वांटिटी यानी एक लॉट है एंड अगर मैं यहाँ पे 100 रुपये को डिवाइड करता हूँ 50 से सो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे 2 पॉइंट आ जाएगा। सो गाइस मुझे यहाँ पे 2 पॉइंट का SL लगाना पड़ेगा 100 रुपये का SL लगाने के लिए। और गाइस यहाँ पे हमारा 2 पॉइंट का SL आया था। सो आपको क्या कहना है कि जो भी आपका एवरेज प्राइस रहता है इससे आपको 2 पॉइंट माइनस कर देना है। सो यहाँ पे आप जैसे माइनस करोगे सो यहाँ पे आपके पास एक प्राइस आ जाएगा जो कि रहेगा यहाँ पे आप देखोगे 4.05 पैसा। सो यहाँ पे मेरा ये SL प्राइस आ जाएगा। सो अभी यहाँ पे आपको SL लगाने के लिए जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सो यहाँ पे आपको ऐड स्टॉप लॉस एंड टारगेट का ऑप्शन मिल जाएगा क्योंकि गाइस इसको हमने डिलीवरी में बाय किया है। सो आप दोनों एक साथ में लगा सकते हो। सो मुझे यहाँ पे इस पर स्टॉप लॉस लगाने से इस पर मैं क्लिक करूँगा। अभी गाइस जो भी टारगेट है इसको आपको क्लोज कर देना है, यहाँ से कैंसिल कर देना है। हमारे पास बचेगा यहाँ पे स्टॉप लॉस। सो गाइस यहाँ पे हमारा प्राइस आया था 4.05 पैसे का, यानी गाइस यहाँ पे हमारा 100 रुपये का एक्यूरेट जो भी स्टॉप लॉस रहेगा हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको सेल पे क्लिक कर देना है। सो जैसे आप सेल पे क्लिक करोगे सो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर लग जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको GTT ऑर्डर देखने को मिलेगा ऊपरी साइड में। सो इस पर आप जैसे क्लिक करके देखोगे सो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है सक्सेसफुली एंड यहाँ पे आपको कितने रुपये का लॉस होगा। सो गाइस यहाँ पे हमें 100 रुपये का लॉस होगा क्योंकि हमने कैलकुलेट करके 100 रुपये का ही सिर्फ स्टॉप लॉस लगाया है। सो कुछ इस तरीके से आप स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करोगे, स्टॉप लॉस को आप लगाओगे। सो गाइस मान लीजिए जो भी पोजीशन है इसमें अगर आपको 500 रुपये का ऐसा लगाना रहता सो यहाँ पे आप क्या करते कि आपके पास जितना भी क्वांटिटी रहता है उससे आपको डिवाइड कर देना है इससे एंड उसके बाद जो भी पॉइंट आएगा सो उतने पॉइंट का आपको ऐसा लगाना पड़ेगा। जैसे गाइस अगर यहाँ पे आपको 500 रुपये का ऐसा लगाना है सो आपके पास आ जाएगा फिर 10 पॉइंट और जो भी आपका एवरेज प्राइस रहता है उससे आपको 10 पॉइंट माइनस कर देना है। बट गाइस यहाँ पे आप देखोगे मेरा यहाँ पे बाय प्राइस ही 6 रुपये है, यानी बहुत ही कम प्राइस में मैंने बाय किया है। सो गाइस अभी सपोज कीजिए आपने यहाँ पे 40 रुपये पे बाय कर लिया कोई भी पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन को और आपको 10 पॉइंट का ऐसा लगाना है सो उससे आप माइनस करोगे सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 30 प्राइस को आपको ऐसा स्टॉप लॉस में डालना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना, एकदम सिंपल तरीके से आप जो भी स्टॉप लॉस रहता है उसको आप लगा सकते हो। एंड गाइस टारगेट की बात करें कि आप टारगेट किस प्रकार से लगा सकते हो, सो गाइस आप टारगेट भी सेम तरीके से लगाओगे। जैसे गाइस मुझे यहाँ पे सिर्फ 50 रुपये का टारगेट लगाना है सो यहाँ पे मैं कैसे लगा सकता हूँ। सो गाइस अभी यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे 50 क्वांटिटी है, यानी गाइस अगर यहाँ पे एक पॉइंट भी ऊपर जाएगा सो यहाँ पे मुझे 50 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं स्टॉप टारगेट पे क्लिक करूँगा, स्टॉप लॉस एंड टारगेट पे। सो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी स्टॉप लॉस लगा हुआ है सो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस को कट करेंगे एंड जो टारगेट है इस पर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। बस जो भी हमारा पुट ऑप्शन था इसको हमने बाय किया है 6.05 पे एंड इसमें अगर आप एक पॉइंट को प्लस करोगे सो यहाँ पे आ जाएगा 7.05 पैसा। सो इतना यहाँ पे आपको टारगेट में एंटर करना है 7.05 पैसा, यानी 50 रुपये का यहाँ पे हमारा टारगेट हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे आपको सेल पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमारा टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों लगा हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। एंड बाकी गाइस अगर आपको जो SL है इसको थोड़ा सा बड़ा करना है या फिर कम करना है सो आप कैसे कर सकते हो, सो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस अभी सपोज कीजिए जो भी स्टॉप लॉस है इसको अगर आपको 150 रुपये का करना है, सो अगर आप 150 रुपये का करोगे सो यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा फिर 3। अभी गाइस जो भी 3 पॉइंट आ रहा है इसको आपको क्या करना है कि जो भी आपका एवरेज प्राइस रहता है उससे आपको माइनस कर देना है 6.05 पैसा। इससे हम 3 पॉइंट माइनस करेंगे सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा फिर 3.05 पैसा। सो यहाँ पे आपको आना है ऑर्डर्स में एंड जो भी हमारा ऐसा लगा हुआ है इतने प्राइस पे यहाँ पे आपको मॉडिफाई पे क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको कर देना है फिर 3.05 पैसा। सो ऐसा यहाँ पे हमारा जो ऐसा रहेगा 150 रुपये का हो जाएगा, उसके यहाँ पे आपको मॉडिफाई सेल पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस हो गया है 150 रुपये का एंड बाकी इस टारगेट लगाए 50 रुपये का। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप टारगेट और स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर सकते हो एंड रुपीज़ में आप लगा सकते हो, पॉइंट में लगा सकते हो। सो बहुत ही सिंपल तरीका हो जाता है। अभी गाइस यहाँ पे आप देखोगे जो भी पुट ऑप्शन इसका प्राइस चालू है 6.50 6.40 के आसपास एंड यहाँ पे हमारा ऑर्डर लगा हुआ है 7.5 का, यानी कि जैसे ही प्राइस यहाँ पे 7.5 पे पहुँचेगा सो यहाँ पे हमारा पुट ऑप्शन सेल हो जाएगा एंड जो भी हमारा टारगेट है सक्सेसफुली बुक हो जाएगा। सो वेट करते हैं थोड़ा सा और अभी यहाँ पे हाल फिलहाल प्रॉफिट चालू 20 और 25 रुपये के आसपास का। अभी गाइस यहाँ पे आप देखोगे जो भी ये पुट ऑप्शन है यहाँ पे हमें कुछ भी मोमेंटम वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है, एक पॉइंट का भी मोमेंटम देखने को नहीं मिला है, क्योंकि गाइस जो भी ये पुट ऑप्शन रहता है आप जितना कम प्रीमियम वाला ऑप्शन को बाय करोगे उतना कम यहाँ पे आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। एंड देखते हैं अभी अचीव होता है कि नहीं तो जो भी पोजिशन इसको हम क्लोज कर देंगे। देख सकते हो मार्केट अभी ऊपर जा रहा है सो इसलिए यहाँ पे हमें लॉस होना स्टार्ट हो गया है। सो चलिए जो भी ऑर्डर है इसको हम कैंसिल करेंगे एंड जो पोजीशन इसको हम क्लोज कर देते हैं। और वैसे भी यहाँ पे 3:04 हो गया है, स्टॉप लॉस को भी यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे, कैंसिल पे क्लिक करेंगे, कंफर्म कैंसिल कर देते हैं। ओके सो अभी यहाँ पे आप देखोगे अभी यहाँ पे करेंटली 20-22 रुपये का लॉस वगैरह पहुँच गया है। सो चलिए इसमें हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम एग्जिट ऑल पे क्लिक करेंगे एंड जो भी पोजीशन इसको हम क्लोज कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया है एंड लॉस की बात करें सो इसमें मेरा लॉस बुक हुआ है 27.5 रुपये का। गाइस यहाँ पे मैंने आपको स्टॉप लॉस के बारे में फुल डिटेल्स में बता दिया है एंड गाइस इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट आता है या फिर प्रॉब्लम आता है तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।